हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। मुँ सुश्री स्वयंप्रभा पाढ़ी, मेडसाई ओडियार फिजिक्स फैकल्टी। तुम समस्त आज वीडियो को स्वागत जनाऊँ। पाने आज आम नीट एंड जेई रे कम्पिटेटिव जी सी एच एस सी लेवल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जी सब अच्छा से मानकर पी वाई क्यू डिस्कस करवा। पी वाई क्यू मानी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज वीडियो रे आम नीट रो कि पी वाई क्यू जोटा कि इलेक्ट्रोस्टाटिक्स आसी प्रिवियस ईयर गुड़े से आम डिस्कस करवा। आम ए वीडियो ए प्लेलिस्ट ए सीरीज स्टार्ट होशा करमको ये सीरीजटा भल लगे। आम तुम बेस्ट देवा ट्राए करूँ तुमको किसी नलेज पाइबापी सहजरे केमी तुम बुझीपार से आम चेषा करूँ। तो क्लास जदि भल लगे कमेंट सेक्शन में लिखिक जनइब। एवं चल भिड को स्टार्ट कर। देख पे तुम फास्ट क्वेश्चन अच्छी। एक्चुअली फास्ट क्वेश्चन आसाला कर्णाटक नीट 2013 एंड 1995। क्वेश्चन कौन थी? क्वेश्चन थी ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए सेंटर एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू केते। क्वेश्चन टा कौन फास्ट कथा बुझा। आमको ये नीट बा जेई रो कम्पिटेटिव जितकी भी एग्जामिनेशन हुए एक्चुअली से आमको प्रायोरिटी ए रोक पड़ो कम टाइम केते आक्यूरेसी आसीपारे से तुम मैटर कर रैंक पाइबापे। तो कम टाइम केमी जल्दी प्राक्टिस करते एम प्राक्टिस करके रख जमीक कम टाइम तुम कौन कर एक्यूरेट आंसर तुम से फाइंड आउट कर। तो ये भिडटा ये क्वेश्चन टाइम चल आम सल्व करने को चेस्टा कर। क्वेश्चन कौन दे चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू। माने ये से यह कौन दुटा चार्ज क्यू अच्छा जोड़ा कि इक्वल वैल्यू मैग्नेट्यूड रे अच्छा। तो आम ये कहींपर गोटे हूँ क्यू एटा भी क्यू आर पॉइंट हूँ ये पॉइंट हूँ ए ये पॉइंट हूँ बी लेट अस कंसीडर आम दुटा पॉइंट अच्छा। ठीक अच्छे फास्ट आम जेहेतु नुआ नुआ प्रॉब्लम गुड़ा सब सॉल्व करचे तो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस जा धीरे धीरे जब तुम प्राक्टिस करदेव ना सबगुटा क्वेश्चन तुम बहुत कम टाइम सॉल्व कर पार। देख ये क्यू क्यू दुटा चार्ज रही है से कि गोटे मानकर डिस्टेंस आर अच्छी एटा मुझे गिवेन देनी तो आम आर नहींपर कौन कौन ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग। तो सेंटर कौटी ये तो ए सेंटर में गोटे स्मॉल क्यू चार्ज अच्छी। ठीक अच्छे तापर कौन कहला एमर से गिभेन देदेलापर क्वेश्चन कौन कौन द सिस्टम ऑफ द चार्ज थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू केते। माने क्यू रो वैल्यू केते हेले ए जो दुटा चार्ज अच्छा ए दुटा चार्ज सहित तो, पूरा पूरी ए तीन टी जाक चार्ज सहित तो जो सिस्टम क्रिएट हो सिस्टम इक्विलिब्रियम रे रहिबो। क्वेश्चन बुझिपार नॉर्मल पचारे दिजन भितर क्यू वैल्यू केते हेले ए सब गुड़ाक तीन टी जाक चार्ज आम इक्विलिब्रियम रही। तो चलो आम फर्स्ट कौन करवा ना कंसीडर करवा मनेकर ये हूँ गोटे हूँ आम चार्ज क्यू आरटा हूँ मध्य क्यू तो मिडिल कौन रहा स्मॉल क्यू। तो फॉर इक्विलिब्रियम देख ये गोटे पॉइंट देखिए इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कौन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आमर नेट चार्ज वैल्यू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू जीरो हम माने को भी गोटे चार्ज उपरे तुम कौन हम नेट फोर्स जब जीरो होने तार से माने इक्विलिब्रियम रे अच्छा बोले आम कह। तो आम ये लिखिद फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन चार्ज इज इक्वल टू जीरो हला। नेट फोर्स कौन हो चार्ज पे जीरो होदि नेट फोर्स जीरो होमें कौन करवा दुईट जाक गोटे ए चार्ज ए गोटे चार्ज उपर आम देखा चार्ज क्यू उपर आम देखुचे स्टेबल अच्छी कि नहीं बा इक्विलिब्रियम आम कौन देखा आउपर जितकी भी फोर्स पड़ू जीरो हेबाक पड़ो नेट नेट मान टोटाल टोटाल चार्ज आम जीरो टोटाल फोर्स आम जीरो हेबाक पड़ो कहीं कारण देख गोटे तुम्हें गोटे जगार रेस्ट पोजिशन अच्छा को हमें इक्विलिब्रियम पोजिशन कहींपर से टाइम जब तुम उपर कि गोटे फोर्स अप्लाई हो तुम इक्विलिब्रियम रही तुम भितर किसी ना कि चेंजेस आसो एदर डिस्प्लेस कर स्टैंड हो जहाँ भी हो बट तुम इक्विलिब्रियम से चेंज हो जाए जदि रेस्ट अच्छा से रेस्ट रही। तो
ता अर्थ एठी आमे कोन करबो पड़िबो ए क्यू चार्ज को जदि आमे इक्विलिब्रियम कंडीशन को आनिबो पड़िबो ताहेले ता उपरे नेट फोर्स जहा भी पड़िबो। अच्छा नेट फोर्स कोन पड़िबो ओबवियसली जति के चार्ज बड़का चार्ज रहले से मानकर फोर्स ता अप्लाई हबो तो एठी चार्ज अछि क्यू आ गुटे अछि कैपिटल को ए क्यू ए दिजनकर इफेक्ट पड़िबो ना ए दिजनकर कोन पड़िबो फोर्स पड़िबो तो आमे कहि परबा फास्ट आम कौन फास्ट आम को फोर्स लिखा ना एफ क्यू उपर जो फोर्स पड़ुची एफ क्यू इज इक्वल टू जीरो एफ उपर जो माने कैपिटल क्यू उपर जो चार्ज पड़ुची काटू काटू पड़ुची स्मॉल क्यू आउ ए कैपिटल क्यू ए दु जन फोर्स पड़ुची तो फास्ट आम कैपिटल क्यू उपर केते फोर्स पड़ुची द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्यू पॉइंट ए उपरे पॉइंट बी रु केते फोर्स पड़ुछि सेटा आमे देखिबा तो केते आमे जानिजे अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ आमे कोन फार्मूला जानिजे ना 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो एठी हमर क्यू1 क्यू1 कोन क्यू1 एंड क्यू2 ये होची एटा क्यू एटा भी क्यू तो आमे एटा लिखि परबा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटु क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एटी केते अछि डिस्टेंस हमर क्यू रु पॉइंट ए रु पॉइंट बी जाय डिस्टेंस हमर आर तो डिस्टेंस रो स्क्वायर ठीक अछि। नेक्स्ट आउ कर फोर्स पड़ुछि ना हमर स्मॉल क्यू रो फोर्स का ऊपर पड़ुछि कैपिटल क्यू ऊपर माने पॉइंट ए ऊपर। अच्छा समान भीतर डिस्टेंस केते अछि जदी से सेंटर रे अछि पॉइंट ए और पॉइंट बी भीतर जदी हमें आर डिस्टेंस नेचे आउ ये जदी क्यू स्मॉल क्यू जदी मिडिल रे हमर रहुची बा सेंटर रे रहुची ताले आर डिस्टेंस केते हबो पॉइंट ए रु आर बाय 2 एतिकी आर बाय 2 एतिकी आर बाय 2 तो एठी हमें लिखि परबा ना प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय 2 रो स्क्वायर एतिकी लिखि परबा इज इक्वल टू केते कारण नेट फोर्स ता ऊपर पड़ुची 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ताहले हमें एटी कोन करबा कॉमन कोन मार परबो हमर बाहरिबो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एती कॉमन बाहरला तो आ पे कोन रहबो ए टर्म पे हमर केवल 1 रहबो ठीक अछि। आमे गोटे काम करबा क्यू क्यू एटी रखि देले आर पोटा साइड को हमें कोन नै जिबा सेकंड टर्म पे नै जिबा तो -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटु क्यू डिवाइडेड बाय आर आर बाय 2 रो स्क्वायर अछि ना आमे लिखि परबा आर स्क्वायर बाय 4 एतिके लिखि परबा। अच्छा आर वैल्यू कोन हबो -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू तळे डिनोमिनेटर रे 4 अछि तो ये जते बेले डिनोमिनेटर रु दीटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर रु से कोन हबो ऊपर को पळे आसी 4 क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ठीक अछि। तापर एटी कोन हबो ना आमर कौन कमन बाहर बे बोथ टर्म रु 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इनटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इनटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एति की अछि। त आमर एटी कौन कैंसिल आउट हबो आमर देखो कमन कौन अछि कमन आमर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बोथ साइड रु क्यू आर स्क्वायर एपट साइड रु भी आर स्क्वायर ताले बड़का कौन रहिला बड़का आमर इक्वेशन कौन रहिला ना आमर रहिला कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एल एच एस आमर कैपिटल क्यू रहिला आर एच एस आमर कौन रहिला -4 स्मॉल क्यू देखा जाउची एतिकी होची आमर कौन बड़का आंसर मैनिपुलेशन परे तो आमर वैल्यू से कौन कहिची क्यू रो को वैल्यू पे क्वेश्चन रे कौन देची क्वेश्चन रे देची फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू सिस्टम पूरा पूरी इक्विलिब्रियम रे रहबो हला ताहले आमे क्यू रो वैल्यू काढिबा पड़िबो स्मॉल क्यू रो तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू केते हबो -क्यू डिवाइडेड बाय 4 दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा ऑप्शन रे कोठी छै हम देखि देबा चलो ऑप्शन होची हमरा ऑप्शन ए ठीक अछि ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर तो इटा हमरा इटा होची फाइनल आंसर ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। तो क्यू रो वैल्यू -क्यू बाय 4 जदि हबो ता हेले जाय कि तीनटी जाको चार्ज सिस्टम रे इक्विलिब्रियम रे रहिबे माने एम्प्टी रहिबे एक्चुअली जदि एटा क्यू देन एटा क्यू गिवन थिला एटी जो हमर मिडिल रे क्यू थिला तार वैल्यू -क्यू बाय 4 जदि हबो ता हेले पूरा सिस्टम डा हमर कोन हेबे इक्विलिब्रियम रे रहिबे
ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଲୁ ପିଲାମାନେ, ନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯେତେଟା ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଚାର୍ଜ ଥାଉଛନ୍ତି ଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବି ଯଦି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମରେ ହେଲା, ଓବିୟସଲି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମକୁ ପଳେଇଆସିବେ। ଆଉ ସେଇ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିରୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜକୁ ନେବା, ତାର ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚାର୍ଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ସେ ସବୁ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ କଲା ପରେ ନେଟ୍ ଟୋଟାଲ ଫୋର୍ସ ତା ଉପରେ ଜିରୋ ପଡ଼ୁଛି, ଦେନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ହଁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମରେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ କରିକି ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବ ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିଟ୍ 2017ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ରହିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ସର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ସପୋଜ୍ ଦ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋନ୍, ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର। ତ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସପୋଜ୍ ଦ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରୋଟୋନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଡିଫର୍ସ ଲାଇଟ୍ଲି। ଓବିୟସ୍ଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାର୍ଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ଭିତରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ସାଇନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଜ୍, ଏଇଠି ଗିଭେନ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ଇ, ଗୋଟେ ଆମର ମାଇନସ୍ ଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଇ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ ଇ, ଦ ଅଦର ଇଜ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲି। ଇଫ୍ ଦ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ, ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏଟ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡି ମଚ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ ଆପାର୍ଟ ଇଜ୍ ଜିରୋ। ମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଟୋଟାଲ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ନେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ, ଟୋଟାଲ ଫୋର୍ସ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଡି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ଥିବେ, ସେ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଜିରୋ। ଦେନ୍ ଡେଲ୍ ଇ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍, ମାନେ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଡି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ, ସେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏ ଡେଲ୍ ଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ, ଏ ଡେଲ୍ ଇର ଭାଲ୍ୟୁ ପାୱାରରେ ସେ କହିଛି, ମାନେ ଚାର୍ଜଟା ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇଟା କେତେ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲମ୍ବା ଦେଖିକି ତମକୁ ଟିକେ କ୍ଲମ୍ଜି ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ, ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ସ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ନେଟ୍ ଜିରୋ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ଆର ଯଦି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର, ଆର ଯଦି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର, ତାହେଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଏମାନଙ୍କର ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଏତିକି ସରିଲା, ଏଇଠି ଆମର ଚାର୍ଜ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମର ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରୋଟନ୍ ଥାଏ, ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପାଖରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଥାଏ ଆଉ ତା ଅର୍ବିଟ୍ରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ମୁଭ୍ କରିଥାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଆଟମ୍ ଭିତରେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମନେକର କହିବା ଏ ଭିତରେ ଆମର କେତେ ରହୁଛି, ଇ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲି, ଆଉ ବାହାରେ ଆମର କ'ଣ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ମାଇନସ୍ ଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍। ସେମ୍ ଏଇଟା ପାଇଁ ବି ହେବ, ବିକଜ୍ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଆଟମିକ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ୱାନ୍ ଏଚ୍ ୱାନ୍, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଆର ତାହେଲେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ରେ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚାର୍ଜ କେତେ ହେବ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରୋଟନ୍ର ଚାର୍ଜ ଦେଇଦେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଚାର୍ଜ କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ଆମର କେତେ ଅଛି ନା ମାଇନସ୍ ଇ, ପ୍ରୋଟନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଦେବା, ତାହେଲେ କ୍ୟୁର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ, ମାଇନସ୍ ଇ ପ୍ଲସ୍ ଡେଲି। ତ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ଲସ୍ ଇ ମାଇନସ୍ ଇ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ତାହେଲେ କ୍ୟୁର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଟୋଟାଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଡେଲ୍ ଇ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଏଇଠି କ'ଣ ସେ ତମେ ବୁଝୁଛ, ଡେଲ୍ ଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେମିତି କାଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଡେଲ୍ ଇ ଆମର ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିଦେଲେ ନା କ୍ୟୁ ଯେତିକି ଚାର୍ଜ ଏ ବଡି ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଚାର୍ଜଟାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର ଡେଲ୍ ଇ ସାଙ୍ଗରେ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଡେଲ୍ ଇର
ଅର୍ଡ଼ର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର, ମାନେ ଡେଲି କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ହେବ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର। ତ ଡେଲିର ଭାଲ୍ୟୁ କେମିତି ତାହେଲେ ଜାଣିବା? ଚାର୍ଜ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ ଡେଲିର ଭାଲ୍ୟୁ ବି ଆମେ ପାଇଯିବା, ହଁ କି ନାଇଁ? ପାଇଯିବା, କାରଣ ଡେଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ବି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ନା, ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ୍ୟୁ ମାନେ ନେଟ୍ କ୍ୟୁ ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲି। ତ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ, କ'ଣ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର? ଆମ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା ଆମେ କେବଳ ବି ଚାର୍ଜ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ଦେଖ ନେଟ୍ ଏତିକି, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ ପଏଣ୍ଟଟା ନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଫୋର୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଉପରେ କେତେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଫ୍ ଏଠି ଆମର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଫ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଫ୍ ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, 1/4πε0 ଡେଲ୍ ଇର ସ୍କୋୟାର। ଚାର୍ଜ ଯେତିକି ଥିବ, ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ, ଆ ପାଖରେ ଡେଲି ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଆ ପାଖରେ ବି ଡେଲି ଚାର୍ଜ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୋର୍ସ କେତେ ପଡ଼ିବ ନା, ଡେଲ୍ ଇ ର ସ୍କୋୟାର କ୍ୟୁ ୱାନ୍ କ୍ୟୁ ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ଡି ଅଛି। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଡି ର ସ୍କୋୟାର, ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ଜିନିଷଟା। ତ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ, ଏଇଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଛି ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶେଇଲେ ଭାଲ୍ୟୁ ଜିରୋ ଆସିଥିବ, ହେଲା। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଜାଣିଛେ, କାଢ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ କାଢ଼ିବା, ଏଫ୍ ଜି ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ। ଏଫ୍ ଜି କେତେ ହେବ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ନା ଆମର ହେବ ଜି ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ସ୍କୋୟାର ଡି ସ୍କୋୟାର, କାରଣ ଏମ୍ ୱାନ୍ ଏମ୍ ଟୁ କ'ଣ ମାସ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଯେହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍, ତ ମାସ୍ ବି ସେମ୍ ହେବ, ମନେକର ଏମ୍ ମାନେ ଏମ୍ ହିଁ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଜି ଏମ୍ ୱାନ୍ ର ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡି ସ୍କୋୟାର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ଏତିକି ଯାଏଁ କ୍ଲିଅରଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ବୁଝିଯାଇଥିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଯଦି ଜିରୋ ହେବ, ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଏଫ୍ଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ଇ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ନା ଏଫ୍ଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଜି। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ହେବେ ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ହେବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏଠି କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ଦେଖ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା, ଏଇଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀ ଦେଇଦିଏ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁକୁ ଆମେ ନେଇକି ପୁଟ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଆମର ଏଫ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଜି ହେଲେ ହିଁ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଜିରୋ ହେଉଛି। ତ ପୁଟ୍ କର 1/4πε0 ଡେଲ୍ ଇ ର ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଥିଲା, ଡି ଡି ସ୍କୋୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ଜି ଜି ଏମ୍ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡ ବାଇ ଡି ସ୍କୋୟାର, ଏତିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ବା ଏମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲେଖିପାର, ଏମ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିପାର, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ, ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ଡେଲ୍ ଇ ସ୍କୋୟାର ଯେମିତି ଯେମିତି ରହିଲା, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଆମର ଡି ସ୍କୋୟାରକୁ ଡି ସ୍କୋୟାର କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡି ସ୍କୋୟାରକୁ ଡି ସ୍କୋୟାର ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଡେଲ୍ ଇ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ ତାହେଲେ, ଡେଲ୍ ଇ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର, ଆମେ ଡେଲ୍ ଇ ସ୍କୋୟାର ହିଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା, କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଡେଲ୍ ଇ ର ଅର୍ଡ଼ର ପଚାରିଛି, ତ ଆମେ ଡେଲି ହିଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ତ ବାକି ଯାହା ବି ଡେଲ୍ ଇକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଯାହା ବି ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଣିଦେବା, ତାପରେ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1/4πε0 ଅଛି, ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, 1/4πε0ଟା 1/4πε0, ତ ଏଇଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ରହିବ କେତେ 4πε0 ଜି ଏମ୍ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର, ଏତିକି ଆମର କ୍ଲିଅର। ଆମେ ଜାଣିଛେ 1/4πε0 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9×10⁻⁹, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଗିଭେନ୍ ଅଛି କି କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ, ହଁ ମାସ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ବି ପୁଟ୍ କରିପାରିବା। ଏମ୍ ଏଚ୍ ବା ଏମ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ନା, ଆମର 1.67×10⁻²⁷ କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ଦେଖ ଆମକୁ ଯଦି ମାସ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, କିଲୋଗ୍ରାମରେ,
लास्ट फाइनल आंसर कुलम रे दीची चार्ज रो माने एटी एसआई यूनिट ही दीची तो आमे सब जिनस को एसआई यूनिट रे कन्वर्ट करिवा तो आर भी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो भी एसआई यूनिट एतिकी एसआई वैल्यू टा एतिकी तो आर वैल्यू एतिकी रहला जी रो वैल्यू कोन जी रो वैल्यू होची 6.67 इनटू 10 टू द पावर -11 तो एटा आमे पुट कर देवा केते रहला 1.67 इनटू 10 टू द पावर -27 रो स्क्वायर इंटू जीरो वैल्यू के 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय आमर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 थिला बट एटी 1 ना तले आमर 1 अच्छे तो आम से अनुसार रिवर्स करदे डिनोमिनेटर रे लिखिद 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा ए सब गुडा को ना कैलकुलेशन तुम कला परे तुम निजे भी चेक कर पार कैलकुलेशन कला परे तुम ऑर्डर टा एक्चुअली पाखापाखी 10 टू द पावर -37 आसो हाँ 10 टू द पावर -37 आसो आ कौन यूनिट ना कुलम जिते बड़े डेल ई फाइंड आउट कर एपटे भी स्क्वायर अच्छी से सब कैनसल आउट होगा फाइनाल भैल्यू डेल ई इज इक्वाल टू 10 टू द पावर -37 आसीज कैलकुलेसन करके चेक कर पार तो देख ये कौटी अच्छी ये ऑप्शन बी रे तो फाइनाल आंसर तुम ऑप्शन बी। अच्छा आशा करुच्ची ए जिनसटा भी तुमको बुझा पड़ो केमती है कौन तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह देख टू पॉजिटिव आयन्स इच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी इफ एटा आसाला एक्चुअली क्वेश्चन 2010 नीट 2010 ये लिखिदे नीट 2010 तो ये सी कौन कहे ना दीटा पॉजिटिव आयन अच्छा जो मानकर कौन ना चार्ज सेमती अच्छा इच ऑफ चार्ज क्यू गोटे क्यू आर डा भी क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी ठीक अच्छे इफ फोर्स एफ इज इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू आयन्स ओब्वियसली रिपल्सन रिपल्सिव फोर्स ही अप्लाई हे कारण सेम मैग्नेट्यूड बा सेम अमाउंट रो पॉजिटिव चार्ज अच्छा दिजन जाक तो ये कौन हम ये पॉइंट ए मनकर भाव एटा पॉइंट बी भाव है सी कौन कहे ना एवे रिपल्सन बिटवीन द आयन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी ये सी कहे ना ए भितर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी ए आयन रु जी आम इलेक्ट्रॉन मिस हे सहीटार वैल्यू के हेला तो आम जाचे गोटे कथा फास्ट आम आखि बुझे कौन करवा जेहेतु ये एक्सप्रेशन रूप तुम देखिपार अच्छा आ गोटे कथ पे कही रखे एवं किसी भी नर्भस हुआनी एवं जस्ट आम इनिसीएसन किसी नहींचे आम इनिसीएट करुचे स्टार्ट करुचे तो वरी हाँ किसी आवश्यक नहीं धीरे धीरे सब प्रॉब्लम ना तुमको इजी लगे जेहेतु तुम नुआ नुआर प्रॉब्लम गुड़ा सब सॉल्व कर टिके कन्फ्यूजन लगे कौन सी इक्वेशन देखिले बट धीरे धीरे ना सब जिन इजी लगे बाय प्रैक्टिसिंग इट धीरे धीरे टाइम अनुसार जिते प्राक्ट कर सब प्रॉब्लम सॉल्व लगे सहज लगे आउ गोटे कथा ऑप्शन देखिकी भी तुम आराम से फाइंड आउट मानने आइडिया कर कौ फर्मूला पुट करी से सबू ना प्राक्टिस परे एक्सपीरियंस परे आसे तो किसी भी वरी हे आवश्यक नहीं नो प्रॉब्लम आम जीरो रु स्टार्ट करवा बट बेस्ट देवा तो ये भी गोटे जिनस नोट कर ये तुम आईडिया आस मैम कौन ये अप्लाय करी फास्ट कथा आईडिया क्वेश्चन रू पलि आसो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाय हो ओके जदि से न आपसन देखिए तुमको आईडिया कर देख फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छी चार्ज स्क्वायर अच्छी डिस्टेंस अच्छी फोर्स अच्छी सबकि अच्छी माने ये सब जिन कौ भितर था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आम फाइंड आउट करे ताकि एमती था तो आम ये लिखिपर ताल नेट फोर्स दिजन जाकर दिजन जाते अप्लाय हो एफ इज इक्वाल टू के क्यू 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 अच्छी तो आम मुझे फर्मूला फास्ट लिखिदे तो तुम बुझाक सहज हम ये आम कौन हम के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एति की भी आम लिखिपर तो देख ये मुझे कौन कही चार्ज कही मानने चार्ज रैल्यू फाइंड आउट हो ये आम लिखिपर ना क्यू क्यू स्क्वायर इज इक्वाल टू कैसे हम तो क्यू स्क्वायर इज इक्वाल टू एफ एपट साइड को पलि आस बाकी तक जिनस तो आमर के एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एति आम लिखिपर के वैल्यू आम के पे वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थिला ना
थिला तो एटी ताहले हमें 1 बाय के केते हबो 1 बाय के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हे परबो तो एठी हमें पुट करि परबा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर एति हम लिखि परबा हां कि नहीं तो क्यू रे वैल्यू ताहले केते हबो क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर एटा होचे हमर इक्वेशन 1 ठीक अछि तापर जे कोन कहि छि देखो एटी गोटे पॉइंट कहि छि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माने क्वांटाइजेशन रूल हमर एटी पळे आसीला आइडिया करि पार छ फार्मूला कोन थिला क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीपल इंटीग्रल एन रो वैल्यू हमर 1 2 3 4 एमति जीवो तो एन इनटू ई ठीक अछि वेयर हमें एटी लिखि परबा वेयर n is equal to number of electrons missing from each ions. Hello, each ion manangaru gote gote jetiki bi electron miss heichani taku ame n nele. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिस होइछने तो ई कोन ई होछ हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहि परबा ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार वैल्यू हम जानि छे -1.6 * 10 टू द पावर कोन -19 हेला एति क्लियर तापर हमर देखो एठी हमर क्यू रो वैल्यू एन ई आसला सेठी क्यू रो वैल्यू कोन आसीबो एटा हम स्मॉल क्यू मुनी जाउ छी तम पत्र कन्फ्यूजन हम भाबीबो मैम अलग अलग क्यू कोन आसीला बस हमर फार्मूला रे एक्चुअली मु पुट कर दी छी तो क्यू एति की रहला ता हेले हम एठी एन इज इक्वल टू से हम कहि छी ना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी माने से बाकी छी एठी एन रो वैल्यू केतेटा इलेक्ट्रॉन मिस होइछन्ती सब आयन मानकर तो एन हमको फाइंड आउट करबा पड़ो तो एन इज इक्वल टू केता हबो क्यू बाई ई तो क्यू रो वैल्यू हम इक्वेशन 1 रे काढ़ी की रखी छे फाइंड आउट करी छे तो एठी हमें लिखी परबा वैल्यू पुट कर देबा एन इज इक्वल टू क्यू रो वैल्यू केते रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा एमिति केचे इक्वेशन रे अच्छी के पिले देखिलो इक्वेशन रे किछ भी समिति ए एक्सप्रेशन देखि परछो ना देखि परनो कोठी भी मैम स्क्वायर ई रो स्क्वायर अछि रूट ओवर अछि कोठी रूट नाही कोठी स्क्वायर अछि एमति अछि त आमे कोन करबा एठी जेहेतु तळे हमर डिनोमिनेटर रे रूट नाही आमे रूट पकेबा स्क्वायर रे मल्टीप्लाई करबा किछ चेंज होबो कि माने मु एमति कहि परबी 2 * हाफ कोन किछ चेंज हो छि कि 1 ही रहू छि ना त आमे एमति करि परबा तो सेति में मु कहू छी जे ऑप्शन को देखि के आइडिया करबो ताहले हमर केत हबो n एडी लिखि दउ छी पहिले n इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर रो होल रूट ऑफ तो एटा होछ हमर फाइनल आंसर एटा कोठी अछि देखो एटा हमर अछि ऑप्शन सी क्लियर तो ऑप्शन सी इज योर फाइनल आंसर तो आशा करछि एटा भी बुझि पारथिबो अच्छा अबे आमे तीनटा प्रॉब्लम कलेनी पिला माने किछि भी टिके हार्ड लागुछि माने किछि लागुछि कि जे हां फार्मूला किछि भी एथिरे नाही आमे पढिनु ए फार्मूला गुडा को हमर सीएचएससी रो भी सिलेबस रे नथिला तो किछि भी नाही सब सही फार्मूला आ टिके ब्रेन टिके खटेबो जे से कोन मागिछि आ कोन मागिछि केमिति ताको चेंज करबी से ट्रांसफॉर्म करबी सही फार्मूला को बा सही एक्सप्रेशन आनिबी जो एक्सप्रेशन जे गिवन करछि ऑप्शन रो देखि कि हो क्वेश्चन रो देखि कि हो तमको आइडिया लगेबो पड़िबो जे से गोटे ही फार्मूला एबे जाय आमे कूलम्स लॉ अप्लाई करले आ किछि अप्लाई करने कूलम्स लॉ रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो एक्सप्रेशन कोन ना के क्यू 1 क्यू 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तीनटा जको क्वेश्चन रे से गोटे फार्मूला अप्लाई हेछि बस तमर एसिड एटीसी कौन कर टिके मॉडिफाई कर दीची खाली कोठी कोठी चार्ज मागिला कोठी इक्विलिब्रियम रे कौन होची मागिला कोठी केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमर एमिट होचनी बा एन रो वैल्यू मागिला क्वांटाइजेशन रूल यूज हला बुझा पड़ला तो एटू कौन तमे कंक्लूजन आसुचि तमे माइंड रे कौन आसुतिबो जे ना गोटे फार्मूला गोटे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो कूलम्स लॉ चार्ज कूलम्स लॉ
चार्ज कुलम्स लो से भितर एबे तीनटा क्वेश्चन तुम देखी सारे नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगुच हाँ किसी मैम एक्स्ट्रा सिलेबस बाहर पलि कि सीएचएससी भी सिलेबस रु अलग हो जाऊँ मैम किसी भी लगुनी ना तो मुझार एक्चुअली तात्पर्य या हूँ तुम्हें सीएचएससी सिलेबस को कभर करने सहित निज बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर होगा सहित ये क्वेश्चन गुड़ा भी तुम आराम से प्राक्टिस कर फर कम्पिटेटिव एग्जाम एमती ना तुम प्लस टू सर सीएचएससी सिलेबस कम्प्लीट कर देन तुम पुणी स्टार्ट कर नीट बा जेई प्रिपेरेसन यू तुम आईडिया लगे पार्थ जो किसी भी एक्सट्रा आड हो केवल मल्टीप्लिकेशन हो केवल गोटे फर्मूला को लेकिन आम एनटा पूरा पूरा प्रॉब्लम आम सॉल्व कर सारे तो मुझे कहूँ एबू जोड़ी हो जाओ एबू ट्राए करो धीरे धीरे करके प्राक्टिस पढ़ाओ तो जब तुम सिलेबस भी कम्प्लीट हो सीएचएससी सिलेबस कम्प्लीट होगा सहित तुम नीट आउ जे कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तुम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो पार तो इतनी की थिला तुम्हें आज भाई आज मोटिवेशन तापर चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन कहूँ देख पिले ये से कहूँ टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ये आम आसाला नीट 2019 पे रिसेंट क्वेश्चन तो ये से कौन कही टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू अच्छा तुमने मुझे आसाइनमेंट दे दिए तुम्हें ट्राए कर ये जिनसा सल्व करा बहुत इजी अच्छी मुझे हिंट देदेवी पे प्रोसेस है प्रोसेस केमती कर मैथमेटिकल कैलकुलेशन केमी कर दैट डिपेंड्स ऑन यू तुम्हें ट्राए कर जिते पार्च जल्दी प्रॉब्लम गुड़ाक सल्व करने को चेस्टा कर धीरे धीरे टाइम लगे बट हो देख ये कौन कही टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू गोटे पॉइंट ए अच्छी गोटे पॉइंट बी अच्छे ये हूँ प्लस क्यू ये हूँ माइनस क्यू ठीक अच्छे आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट मुकर कह आर डिस्टेंस अच्छा ठीक है ये सरला कौन कह इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ माने आउपर एफ फोर्स पड़े ये भी आउपर एफ फोर्स पुट कर कौन कहला ना इफ 25% ऑफ चार्ज 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी माने प्लस क्यू यहाँ मन कर पॉइंट ए प्लस क्यू चार्ज अच्छे से जितेक भी वैल्यू अच्छे तार 25% कौन है ट्रांसफर हो गला माइनस क्यू को माने पॉइंट बी को ताहले से भितरे फोर्स कौन चेंज हम एबे जाए जड़े प्लस क्यू थी आउ जड़े माइनस क्यू थी किसी गोटे डिस्टेंस आर रे थिले सेबे आमर फोर्स से भितरे एफ थी ठीक अच्छे तो पॉजिटिव चार्ज रु जिते बड़े नेगेटिव चार्ज को 25% तार मैग्नेट्यूड आम ट्रांसफर करदे भितर फोर्स कौन अप्लाई हो आइडिया करो कौन हो मुझे हिंट दे दूँ तुमने ट्राए कर सल्व करने नो वरीज तुम्हें जब सल्व न करेक्ट आम गोटे भिडियो पुणी यहाँ को सल्व करके देखा बट तुमको हिंट दूँ तुम चेस्टा कर तुम केपरच तो ये आम गोटे चार्ज अच्छी क्यू है ये गोटे चार्ज अच्छी नेट चार्ज मानकर आम क्यू भाविदा तो एम भितर गोटे चार्ज को आम कौन कले 25% कमईदे अच्छा जदि गोटे चार्ज 100 अच्छी तार चारिभाग करदे 25 अच्छी ना हाँ ना 25 × 4 आम 100 हो तो गोटे चार्ज टोटाल चार्ज को मनकर 100 भाग भाव 100 भागर 25 भाग आम देदे माने एमती कहीपर 100 भाग गोटे पूरा टोटाल भाग को आम चारि खंड करके गोटे भाग आर चार्ज को देदे हला माने गोटे चार्ज आम मन नेट चार्ज क्यू थी से गोटे चार्ज आम क्यू बाई 4 हो गला बुझा पड़ा जदि पॉइंट ए रे क्यू ए रे वैल्यू कथ टोटल चार्ज माइनस क्यू बाई 4 हो हाँ कि नहीं टोटल चार्ज आम क्यू तार निजर चार्ज माने टोटल चार्ज माने मुझे ए बी दीट जाक मिसिके टोटल चार्ज हूँ क्यू है ए पॉइंट रे चार्ज के रहा से कहे आम 25% मुझेदेली जदिदेला ट्रांसफर हो गला तोर के क्यू बाई 4 हो तो तार वैल्यू तेल के क्यू बाई 4 गलापर जी तापर कौन हम क्यू बी कत क्यू बी रैल्यू आम कत माइनस क्यू थी तांगे क्यू बाई 4 आसिक आड हो गला तो आम लिखिपर क्यू बाई 4 है ना ये हूँ इक्वेशन 1 ये हूँ इक्वेशन 2 आप तुम कम कौन पिले आम नॉर्मल फोर्स आम केफ इज इक्वाल टू ना माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर ही था कारण के इंटु प्लस क्यू वन इंटु माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर तो आम के माइनस के बाय क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर
है ये हूँ फास्ट आम जी नॉर्मल नॉर्मल जो चार्ज दुटा थी से तो यहाँ हूँ इक्वेशन थ्री जिते बड़े चेंज हो गला आम मन एफ प्राइम ना जिते बड़े चेंज होगा से हम ना के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये आम कौन रहा क्यू वन इंटु क्यू टू बा क्यू ए इंटु क्यू बी एतिक हम ना तो क्यू ए क्यू बी के इक्वेशन वन आउ इक्वेशन टू रे अच्छा तो आम कम कौन आम कौन करवा ना ये इे पुट करवा देखा कौन हो तो ट्राए कर सल्व करने जदि के आसला मतलब निश्चय कमेंट सेक्शन में लिखिक जनइब तुमर एति हिंट देवाटा काफी मुझे भावी तुम मैं एति हिंट काफी हम तो के बाय क्यू आर स्क्वायर रहा ये क्यू ए रैल्यू पुट कर क्यू बी रैल्यू पुट करतापर ताकि जो इक्वेस यार इक्वेसन टा जहाँ आसवन कि आउपर आपको नहीं पुट करके इक्वेट करदेव ठीक अच्छे तो ट्राए कर नेक्स्ट क्लास निश्चय यू तुमको सल्व करके देखेबी आ कमेंट सेक्शन में देखी तुम कई जन ये ठीक आंसर दे ऑप्शन ए बी सी डी ए चार्टा ऑप्शन भितर तुम काम होगा तुम मत गोटे ऑप्शन रा आंसर कमेंट सेक्शन में निहाती लिखिक जनइब ट्राए कर एक्चुअली 70% कर सारे आउ अल्प किसी बाकी अच्छे से अल्प मुझे आशा कर सल्व करदेव तो एति सल्व करी मत कमेंट सेक्शन में निहाती लिखिक जनइब आउ गोटे असाइनमेंट दे दौर यहाँ हूँ क्वेश्चन नंबर फोर थी तापर मुझे गोटे तुम असाइनमेंट दे दौर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलेटेड ही देवी किसी भी एक्स्ट्रा जिनस नुह तो किसी भी वरी हेनी मैम कौन हार्ड हो गला ये होगा किसी वरी हेनी तो फास्ट क्वेश्चन लिख क्वेश्चन नंबर फाइव हूँ टू इक्वल चार्जेस टू इक्वल चार्जेस रिपल इच अदर विथ ए फोर्स फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन तापर व्हेन सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर माने को मीडियम रे अच्छा एयर मीडियम रे फाइंड द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हेन द चार्जेस चार्जेस आर इन ए मीडियम रिलेटिव मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी 4.0 है ऑप्शन ए ये हूँ क्वेश्चन ए ये हूँ क्वेश्चन बी आ गोटे कौन द मैग्नीट्यूड अच्छा फास्ट मु आरो ऑप्शन गुड़ाक लिखिदे यार ऑप्शन माने हूँ एफ रा वैल्यू आमको ये फाइंड आउट करवा कौन एफ रा वैल्यू हूँ 0.1 न्यूटन 0.2 न्यूटन 0.5 न्यूटन 0.3 न्यूटन है चारिटा ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन पे तुम्हारे है कौन चार्टा ऑप्शन देली तापर क्वेश्चन नंबर बी द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस केते हबो ऑप्शन ए आमर ऑप्शन ए हूँ 0.76 μc ऑप्शन बी 0.67 μc ऑप्शन सी 0.56 μc ऑप्शन डी 0.78 μc तो तुम्हारे आज एक्चुअली असाइनमेंट रहा यहाँ गोटे पार्शियल असाइनमेंट जोटा कि मुझे किसी तुमको हिंट दे कंप्लीट
କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାପରେ ତମର କାମ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି କହିବ। ଅପସନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ। କିଛି ବି ଯଦି ନ ହେଉଛି ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ବଟ୍ ବେଟର ହେବ ଯଦି ତମେ କରିପାରୁଛ, ନିଶ୍ଚୟ କରିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭରେ ତମର ପଏଣ୍ଟ ଏ ଅଛି ଗୋଟେ, ପଏଣ୍ଟ ଏରେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ, ପଏଣ୍ଟ ବି ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ତମ କାମ ହେଲା ମୋତେ ତିନିଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି, ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତିନିଟି ଯାକର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାକୁ ଲେଖିକି ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଯଦି ତମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛ ବେଟର ହେବ, ଆଉ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନିସିଏସନ୍ ଥିଲା, ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବା ଆଉ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ପୁଣି କିଛିଟା ଟପିକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ନଲେଜ୍ ସେୟାର କଲେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦିଏ। ମେଡ଼ସାଇ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ CHSC ସିଲାବସ୍ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି। ପୁରା ବୋର୍ଡ଼ ଯାଏଁ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବ। ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସେସ୍, ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, PDFs, ନୋଟ୍ସ, ସବୁକିଛି ତମକୁ ସେଇଠି ଏଭେଲେବଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତା ସହିତ ଫାକଲ୍ଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବି ଭଲ କରିପାରିବ। ତମ ପାଇଁ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ଠୁ ନେଇକି ସୋଲୋ ପ୍ୟାକ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ PCMB, PCBI, ଏମିତି ଚାରିଟା ଲେଖେ ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଚାରିଟା ଲେଖେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତମର କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସୋଲୋ ପ୍ୟାକ୍ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯଦି ତମର ଆଜି ତମକୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଓନ୍ଲି ସୋଲୋ ପ୍ୟାକ୍, ଫିଜିକ୍ସର ନେଇପାରିବ, କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ନେଇପାରିବ। ବହୁତ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ କୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ସେଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ସ ବି ସେଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟର୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବି ବହୁତ ମିଳିପାରୁଛି। ତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ପ୍ୟାକେଜେସ୍। ଯାହା ବି ତମର ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇଠି ତମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ SSP 10। ଯେବେ ତମେ କିଛି ବି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପରଚେଜ୍ କରିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ବି ପ୍ୟାକେଜ୍ ହଉ, ସୋଲୋ ହଉ, ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ହଉ, ସେଇଠି ତମେ SSP 10 କୋଡ଼, ଯଦି ପ୍ରମୋ କୋଡ଼ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ସେଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଆହୁରି ପାଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ତମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ କରାଉଛି ଯେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ନୂଆ ନଲେଜ୍, ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ, ନୂଆ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଡରୁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଆଜି ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।